दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ रीचेकिंग और रिडक्शन के बारे में। मतलब क्या बनता है कि आपने देखा जो अभी आपका रिजल्ट आया है दिसंबर में, आपका आपके 2 नंबर एग्जाम का, और आपने देखा है कि आप जो है कुछ नंबर से जो आप रह गए हैं, या आप मैसेज से कुछ बताते हो, कोई थोड़ा सा डाउट है कि हमें जो है कि कुछ नंबर से फेल कर दिया गया है, या आप मैसेज से वैसे जाती है इस बात को समझते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन जो है आपको उस नंबर हिसाब से नहीं मिले हैं, आपकी जो मार्किंग काफ़ी हार्ड हुई है, काफ़ी नंबर कहीं काटे गए हैं। तो अब ऐसे कई विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारा चेंज करना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं रिवोल्यूशन। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको उसको कैसे कर सकते हैं और दोनों में क्या फर्क है, दोनों के क्या फायदे बनते हैं। तो सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे हम sdmis.nios.ac.in और सर्च कर देते हैं। सर्च के बाद यहाँ देखा है सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है होम पेज के लिए, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपका जो है एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो यहाँ पर देखा जाए हम इसमें जाते हैं और इसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है रिचेकिंग रेवोल्यूशन पब्लिक एग्जाम अक्टूबर 2019, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखा जाए आपको डालना है अपना रोल नंबर डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक रोल नंबर डाल दिखाता हूँ, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि रिचेकिंग और रेवोल्यूशन दोनों पर क्या है। रिचेकिंग में क्या होता है कि आपके इंस्टीट्यूट को निकाला जाता है, उसमें जो भी नंबर आपके मिलते हैं उन सबका जो टोटल किया जाता है। इस बात का देखा जाता है कि कोई क्वेश्चन चेक होना छूटा ना हो, जोड़ने में गलती ना हो, सिर्फ इस बात को लेकर रिचेकिंग होती है। रिचेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपसे फिर से जो कॉपी है इसको चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें क्या होता है नंबर का जो जोड़ है वो देखा जाता है कि नंबर किस जोड़े गए हैं कि नहीं जोड़े गए, कोई क्वेश्चन चेक होने से छूटा तो नहीं है, सिर्फ इस बात की रिचेकिंग होती है। और एक हमारा होता है हमारा पर जो है री एवरेट, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो आंसर है, आपने जो आंसर किया था तो उसका कोई ना कोई अपना जो है आपने द्वारा लिखे गए जितने भी पेज थे उन सबको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आप तक पहुंचा दी जाती है, जिससे आपको पता रहता है कि आपको किस क्वेश्चन में किस हिसाब से आपको नंबर मिले। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है फीस क्राइटेरिया क्या बनता है। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर, यहाँ देखा जाए रिचेकिंग हमारे देखा जाए 10th क्लास 12th क्लास दोनों में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हमारा देखा जाए जो 10th क्लास है सेकेंडरी है, सेकेंडरी में रिचेकिंग जो है और 12th क्लास में जो रिचेकिंग है, लेकिन यहाँ पर रिवोल्यूशन की बात करें, रीएवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए 10th क्लास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन 12th क्लास वाले जो यहाँ पर रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हमारा देखा जाए, हमारा यहाँ पर देखा जाए ऑन डिमांड, तो फिलहाल देखा जाए हमारा ऑन डिमांड वाली बात बनती नहीं है, हमारा जो मेन अभी क्या बनता है पब्लिक एग्जाम जो हमारा हुआ। तो फिलहाल देखा जाए 10th क्लास वाले जो यहाँ पर अपना जो सिर्फ रिचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 12th वाले अपना देखा जाए दोनों के लिए या दोनों में से कोई भी अपना देखा जाए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो देखा जाए रिचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिखाता हूँ कि रिचेकिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए आपको करना है कि अपना जो है रोल नंबर डालना है यहाँ पर, तो रोल नंबर डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अब देखा जाए यहाँ पर आपको दिखाता है कि सबमिट क्या क्या है, अब किस में जो है रिचेकिंग करना चाहते हैं या रिवोल्यूशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखा जाए जो है मैं हिस्ट्री के यहाँ पर जो रिचेकिंग कराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए फायदा नजर आ रहा है यहाँ पर रिचेकिंग कराने का। फायदा क्या नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, हिस्ट्री में मुझे मिले यहाँ पर 24, असाइनमेंट मिले मुझे यहाँ पर 17, थ्योरी में हिस्ट्री में मुझे पास होने के लिए कम से कम चाहिए होते हैं लगभग 26-27 के आसपास मुझे पास चाहिए होते हैं, लगभग अगर 3 नंबर मेरे वर्ग आगे इसमें रिचेकिंग में तो पास होने के चांस बन जाते हैं। चलिए मैं इसी को जो यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर देखा जाए ऐसे में देखा जाए रिचेकिंग फायदा तभी है जब आपके बहुत ही नजदीकी कुछ नंबर से अगर रह जाते हैं तभी आपको रिचेकिंग कराने में बहुत ज्यादा फायदा है, अदरवाइज अगर आपको देखा जाए नंबर ऑफ गैप बहुत ज्यादा है पासिंग मार्क्स से तो आपको शायद इतना फायदा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं रिचेकिंग और देखा जाए रिवोल्यूशन, तो यहाँ देखा है दोनों में से आप क्या कोई एक ही करा सकते हैं, तो आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही आपको जो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो देखा जाए ओनली रिचेकिंग के लिए अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर देखा सबमिट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखा जाए मुझे यहाँ पर बताया जाता है कि इसकी जो पेमेंट जानी है, मुझे यहाँ पर जो बताया जाता है इसकी जो पेमेंट जानी है वो जानी है यहाँ पर 300 रुपये, लेकिन 50 रुपये वो एक्स्ट्रा लेते हैं अपने नेट चार्ज के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए मैं कोई भी पेमेंट गेटवे लेके अपना जो है पेमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया HDFC और मैंने यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है पेमेंट जो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो चलिए अब जो हम अपना जो बैक टू होम जाते हैं और यहाँ पर अपना जो देखा जाए स्टेटस जान लेते हैं। तो देखा जाए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखा रहा पेमेंट हैज बीन रिसीव सक्सेसफुली, तो चलिए यहाँ पर एक बार स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखा जाए यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 सब्जेक्ट फॉर विच यू हैव अप्लाइड फॉर रिचेकिंग एंड रिवोल्यूशन आर,
तो आपको दिखा रहा है यहाँ पर हिस्ट्री है और उसकी पेमेंट यहाँ जा चुकी है, तो आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं कि आपने जो पेमेंट कर चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए आप जो रिचेकिंग है रेगुलेशन करा सकते हैं। रिचेकिंग में आपको जो मार्किंग रिचेक की जाती है कि यहाँ पर आपके जो नंबर मिले हैं वो टोटल करने में सही है कि नहीं है, वो तो क्वेश्चन चेक होने छूटा है कि नहीं छूटा है। बाकी रेगुलेशन में होता है क्या है कि वहाँ पर आपके जो भी आंसर शीट बाकी जो भी आपके आंसर शीट है उसकी जो है सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपको जो है यहाँ पर आप तक दी जाती है, जिससे आपको पता रहता है कि आपको हर क्वेश्चन में किस हिसाब से आपको कितने नंबर मिले हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिचेकिंग करना चाहते हैं रेगुलेशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।